दक्षिण राज्य में कर्नाटक के रूप में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब उसे दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही जीत मिलने की उम्मीद जगी है। ऐसे में पार्टी ना तो सिद्धरमैया को छोड़ेगी और ना ही डीके शिवकुमार को नाराज होने देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज कर पूरा राज्य हाथ से गवा चुकी है। कर्नाटक का अगला सीएम कौन, इसी बात को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। सिद्धारमैया दिल्ली में अपनी बात रखेंगे तो डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं। हालांकि डीके शिवकुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि मैंने आला कमान पर सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन आज वो अपने जन्मदिन पर आला कमान से कुछ बड़ा चाहते हैं। फैसला अब सोनिया और राहुल गांधी को करना है। सीएम पद के तगड़े दावेदार डीके शिवकुमार का आज जन्मदिन भी है। ऐसे में चर्चा और सवालों का बाजार गर्म है कि क्या कांग्रेस उन्हें जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर सीएम की कुर्सी देगी या फिर अपने अनुभवी नेता सिद्धारमैया पर दांव लगाएगी। इधर कांग्रेस में विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षक आज दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए 3 पर्यवेक्षक बनाए थे, जिनमें सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और जितेंद्र सिंह शामिल थे। इन पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों से बात करके रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान को सौंप दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कर्नाटक में सीएम पद के लिए आलाकमान किसका नाम आगे करता है। फैसला इतना आसान नहीं है। पार्टी अगर सीएम के लिए अपने पुराने और कद्दावर नेता सिद्धारमैया पर भरोसा करती है तो क्या डीके शिवकुमार खामोश बैठेंगे? यही सवाल तो डीके शिवकुमार के साथ भी है कि अगर उन्हें पार्टी सीएम के लिए आगे करती है तो प्रदेश की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले सिद्धारमैया ऐसे ही मान जाएंगे। अटकलें तो ऐसी भी लगाई जा रही है कि सिद्धारमैया पहले 2 साल के लिए सीएम बनना चाहते हैं। अगर इन दावों में सच्चाई है तो क्या इस प्रस्ताव को डीके शिवकुमार मान जाएंगे या फिर सचिन पायलट की राह अख्तियार कर लेंगे? कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल। राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत एक्सप्रेस डिजिटल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।